9 मार्च को आना है, तो हमने कहा हमारा कार्यक्रम है हम 16 मार्च को आएंगे, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट था। लेकिन पता नहीं उनको क्या जल्दबाजी है, पता नहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर चल रही है इसमें कौन सी आफत आने वाली है अगर हमें 2 दिन का और समय दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं आपको आना ही है, हमने कहा 10 मार्च को हमारा धरना है भाई तो 11 को आ जाएंगे, तो 11 को बोले। लेकिन इस बीच में जो ईडी का और हमारा कम्युनिकेशन हुआ था इसका मुझे आप सबसे शेयर करना है। देखिए जब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक वुमेन सिटीजन को इंट्रोगेट करना चाहती है तो एक फंडामेंटल राइट वुमेन का होता है कि वुमेन के घर पे आके इन्वेस्टिगेट करें, और पूरा पूरा इसका लॉ में हमें सपोर्ट है वुमेन के लिए, और बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हैं जिनमें जजमेंट वुमेन के तरफ आए। तो हमने ईडी को बीच में रिक्वेस्ट किया कि 10 तारीख को बकायदा, अगर 11 तारीख को आपको इन्वेस्टिगेट करना है हमारे घर पे आइए, अक्यूज किसी के साथ आपको इंट्रोगेट करवाना है तो उनको भी लेके आइए, घर में बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं क्योंकि लॉ हमें सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा नहीं आपको खुद चल के आना होगा। देखिए मैं तो पॉलिटिकल लीडर हूँ, लकीली बाय गॉड्स ब्लेसिंग पूरा पार्टी हमारे साथ है, हमारे पास साधन है तो हम पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं मीडिया मित्रों से यह पूछना चाहती हूँ, कई आम महिला किसी गांव में है, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इतना हमने कोविड के दौर में देखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेडिसिन भी पहुंच सकता है, डायग्नोसिस भी हो सकता है, तो इंटरोगेशन क्यों नहीं हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस से। हम जरूर इस मुद्दे को टेकअप करेंगे। हिंदुस्तान में एक रेवोल्यूशनरी स्कीम आना चाहिए, व्हेन पुलिस और एनी डायरेक्टरेट और एनी एजेंसी वांट्स टू इंटरोगेट वुमेन देयर शुड बी अ फैसिलिटी टू बी डन बाय ए वीडियो कॉन्फ्रेंस। इसके लिए हम आगे भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हर जगह भी जाएंगे। इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज फॉर एवरी कॉमन वुमेन इन दिस कंट्री। आई वॉन्ट टू टेक अप दिस इश्यू एंड वी विल फर्दर टेक अप द इश्यू। नाउ व्हेन इट कम्स टू द ओरिजिनल ईडी समन, वी विल कंप्लीटली साइड विद देम, सपोर्ट विद देम, बिकॉज वी आर अंडरस्टैंड द ऑब्लिगेशंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एजेंसीज, वी विल 100% सपोर्ट देम। टुडे द क्वेश्चन इज when we look at Telangana data from last August, in fact from last June, government of India has constantly been sending its agencies to Telangana. Now question is why? Because Telangana assembly polls are there in this November December, so the modus operandi of BJP has been ki jahan bhi election hai wahan Modi se pehle ED pahunch jata hai. To hamare Telangana mein bhi yahi hua hai, takriban सारे बिजनेस हाउसेस पे एक 500 प्लस बिजनेस हाउसेस पे आईटी रेड होता है, सीबीआई के रेड 100 होते हैं तेलंगाना के राज्य में, ईडी तो कम से कम 200 जगह पे उन्होंने छापा मारा है, और एनआईए एजेंसी ने 500 टू 600 मिनिमम लोगों को बुला के उनको डरा के धमका के अलग अलग तरीके का काम वहां पे चल रहा है। मैं ये लोगों के सामने जनता के सामने आज रखना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे अकेले का मुद्दा नहीं है, हमारे खुद के पार्टी में मिनिमम 15-16 लोगों को एमएलएस को एमपीस को मिनिस्टर्स को टारगेट करके अलग अलग केसेस में बुलाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा मोदी जी से बीजेपी से एक ही विनती है कि आप जनता के पास जाइए, आपने किस तरीके का डेवलपमेंट किया है तेलंगाना के लिए, आपने क्या किया है देश के लिए, आपने क्या किया है वो बताइए, उनका दिल जीतिए, बाद में इलेक्शन जीतिए। लेकिन हम इलेक्शन हारेंगे या जीतेंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज करेंगे, बैकडोर से गवर्नमेंट में आएंगे, इस तरीके का तो हमने देख लिया है, 9 राज्यों में चला है और तेलंगाना में वो चल नहीं पाया, उन्होंने कोशिश किया है लेकिन हमने चलने नहीं दिया। तो इसीलिए उनका अभी एफर्ट ये है कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, धरा दो, लेकिन हम भी मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि हम डरने वालों से नहीं है, हम एक आंदोलन करके स्टेट को हासिल करके आज स्टेट में सरकार चला रहे हैं, आगे चल के भी हम जनता के लिए ही काम करेंगे, और हम बराबर मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का जो फेल्यूर्स है उसको एक्सपोज करते ही रहेंगे। देखिए मोदी जी ने 2022 तक बहुत वादे किए थे, उन्होंने जवान को फेल कर दिया, इस किसान को फेल कर दिया, युवाओं को फेल कर दिया, हर एक सेक्शन में वो सिर्फ और सिर्फ फेल्यूर है और कुछ भी नहीं। देखिए आज ईडी के डायरेक्टर है उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता है, सेबी के डायरेक्टर है उनको एक्सटेंशन मिलता है, एसबीआई के डायरेक्टर है
उनको एक्सटेंशन मिलता है रिटायर होने के बाद। LIC के डायरेक्टर है, उनको एक्सटेंशन मिलता है। क्यों मिल रहा है इनको? क्योंकि जहां ये बोलेंगे वहां वो जनता की पैसा निवेश करेंगे, और बाकी ये जो एजेंसी है वो जहां बोलेंगे वहां जाके काम करेंगे। तो मैं सिंपल सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछती हूँ, अग्निवीर में आप जो लोगों को, युवाओं को ले रहे हैं, उनको एक्सटेंशन दीजिए पहले। क्यों नहीं मिलेगा उनको एक्सटेंशन? क्यों ले रहे हो आप उनको 4 साल को? 4 साल के लिए उनको क्यों ले रहे? 4 साल के लिए आप उनको लोगे, ट्रेनिंग दोगे, बाद में रस्ते पे छोड़ दोगे क्या? या जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं, आपके ऑफिस में चौकीदार के नौकरी पे रखोगे? आर्मी कितना सेंटिमेंटली जुड़ता है देश के साथ, जनता के साथ, पूरा परिवार छोड़ के जान पे खेल के आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए बच्चे आते। तो मैं आज यहाँ से डिमांड करती हूँ मोदी जी से, आप 4 साल के लिए अग्निवीरों को ले रहे हो, उनका एक्सटेंशन दीजिए, परमानेंट कीजिए, क्योंकि आज भी आर्मी में 3.5 लाख वैकेंसीज है। तो मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, आपके फेल्यूर्स को छुपाने के लिए आप जिन जिन राज्यों में इलेक्शन चल रहा है उन राज्यों में आप जाके सारे केसेस डाल रहे हैं, और हम जरूर इनको फेस करेंगे। देखिए, फ्रेंडली उनके जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उन पे कोई रेड नहीं होता है, फ्रेंडली उनके जितने भी बिजनेस हाउसेस है उन पे कोई रेड नहीं होता है, उन सबके लिए तो सात खून माफ हो जाते हैं। अब अदानी जी ले लीजिए, बाकी बहुत लोग हैं, उन पे तो कुछ नहीं होता है। और आज तो इतना चर्चा है पूरे देश भर में कि देश में डबल इंजन सरकार चल रहा है, और ये दो इंजन कौन है देश में? एक इंजन प्रधानी है, दूसरा इंजन अदानी है। तो ये हालत आज देश में है। तो ये बच्चा बच्चा जान चुका है, जिस तरीके से मोदी जी अपने आप को क्लीन बताते थे, साफ बताते थे, वो है नहीं। और श्रीलंकन गवर्नमेंट भी यहाँ आके बोल के गया है कि अदानी जी के लिए आप, मोदी जी खुद जाके बोले कि इनको प्रोजेक्ट देना है। तो इस तरीके के सब बात सामने आ रहे हैं। तो ये छुपाने के लिए आप विपक्षों पे ED का वार कर रहे हो, वो ठीक है, हम विपक्ष है, झेल लेंगे, हम पॉलिटिशियन हैं, लेकिन जनता पे जो महंगाई का आप वार कर रहे हो ना, वो जरूर आपको आगे इलेक्शन में रिजल्ट दिखाएगा। मोदी जी आप काम उस पे करिए, मेरा विनंती ये है भारतीय जनता पार्टी से, प्लीज वर्क ऑन रिड्यूसिंग द प्राइसेस, प्लीज वर्क ऑन गिविंग मोर सब्सिडीज, प्लीज वर्क ऑन गिविंग मोर जॉब्स। व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ टॉर्चरिंग पीपल लाइक अस? आप करिए, हम बात करेंगे, हम जरूर फेस करेंगे ईडी को। लेकिन आपके BM संतोष जी से भी बोलिए, जरा हमारे तेलंगाना में आके सीट के सामने पेश हो जाए, आंसर करें, क्वेश्चन आंसर करें। किस बात की डर है आप? हमने गलती नहीं किया, हम तो आ रहे हैं ईडी में, हम कल भी जाएंगे, आपको जो करना है करिए, जो लीगल कोर्स है, लीगल एक्शन है, हम पूरा पूरा आपसे कोऑपरेट करेंगे। लेकिन BR संतोष जी क्यों केस पे केस करके, दावे पे दावे करके, स्टे के ऊपर स्टे क्यों लेके आ रहे? इस बात को जरा जनता गौर करके सोचे। मेरी जनता से एक ही रिक्वेस्ट है, जिस देश में गांधी जी पैदा हुए हैं उस देश में आज झूठ का राज चल रहा है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ हमें बोला जा रहा है। GDP के बारे में झूठ बोलते हैं, डेवलपमेंट के बारे में झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट के हाउस में खड़ा होकर प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। क्या ये पॉलिटिक्स है? ऐसा पॉलिटिक्स चाहिए? पावर चाहिए तो जनता के पास जाओ भाई, जीतो उनका दिल। ये किस तरीके का पॉलिटिक्स है? हमें सहनशीलता का भी हद होती है। मैं भारत की जनता से इतना ही बोलना चाहती हूँ कि वन नेशन वन फ्रंट का सरकार को आप मौका मत दीजिए। जो विपक्ष है उनके बात रखना चाहते हैं, जरा उनको मौका दीजिए। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ रहा है। महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, दुर्योधन जा रहे होते हैं युद्ध में, तो अपने माताजी गांधारी के पास आते हैं और पूछते हैं, माताजी मैं तो संग्राम में जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दे दो। तो माताजी गांधारी बहुत एक अच्छी लेडी है, स्ट्रांग कैरेक्टर वाली लेडी है, तो दुर्योधन को जानती है दुर्योधन के तरफ गलत है, तो वो आशीर्वाद कैसे दे दे विजय होने की? तो वो एक आशीर्वाद ऐसा देती है, गांधारी माता बोलती है, ये तो धर्महा ततो जयहा, यानी धर्म जिस तरफ है उसका जय हो। आज मैं भी वही बोलती हूँ, धर्म जिस तरफ है उसका ही विजय हो। देखिए, जेल में रखने से, कृष्ण भगवान का पैदा होने से किसी ने रोक नहीं पाया, अज्ञातवास में रह के अर्जुन का तो शूरता कभी कम नहीं हुआ, वनवास में जाने के बाद भगवान श्री राम और भी स्ट्रांग हो गए, लोक कल्याण के लिए ही काम कर रहे। तो जब जब इस दुनिया में किसी को लगता है कि हम भगवान से पावरफुल है, हम इंसान नहीं है, हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, सारे एजेंसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तब एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस करके कुछ रहता है, प्राकृतिक न्याय, जरूर वो आगे आएगा। कल को BJP की सरकार जिस तरह से तानाशाही कर रही है इस देश के साथ,
पक्का वो न्याय आगे आएगा। तो मैं आज भी वही बोलती हूँ, हम ईडी में जाएंगे, वो आप जहां जहां बुलाएंगे वहां जाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे साथ सत्य है, न्याय है, धर्म है। तो ये तो धर्म है ततो जय, हमारे साथ भगवान है। थैंक यू सो मच, जय तेलंगाना, जय भारत। देखिए पूरे देश से 29 स्टेट्स में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमने उन सबको वुमेन रिजर्वेशन पे जितने भी फाइट किए उन सबको बुलाया है। लकीली उन सबने एक्सेप्ट भी किया है। तो एटलीस्ट 500 to 600 पीपल विल सिट ऑन द हंगर स्ट्राइक, बट द अटेंडेंस विल बी मच मोर। मोर देन 6,000 पीपल हैव कन्फर्म दैट दे विल जॉइन अस। मोर देन 18 पार्टीज हैव कन्फर्म दैट दे विल जॉइन इन द प्रोटेस्ट। क्या उनको भी आपने बुलाया है और क्या वो आएंगी?